हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है टैबलेट ट्रेमेडोल और ब्रांड नेम है अल्ट्रासेट। दोस्तों, ट्रेमेडोल एक सिंथेटिक सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक है। सिंथेटिक यानी कि नेचुरल नहीं है, इसको बनाया जाता है लेबोरेटरी में, और सेंट्रली एक्टिंग यानी हमारे दिमाग पर काम करके ये पेन को कम करती है, इसलिए बहुत ही पावरफुल एनाल्जेसिक है, बहुत ही पोटेंट पेन किलर है ये। दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट कंज्यूम नार्कोटिक ड्रग है हमारे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा जो नार्कोटिक ड्रग दवा कंज्यूम की जाती है वो है ट्रेमेडोल, खासकर ऐसे पेन में यूज़ किया जाता है जिसमें पेन आम दवाइयों से, नॉर्मल पेन किलर से कम नहीं होता, खासकर जैसे कि कैंसर, मैलिग्नेंसी, कैंसर में जो पेट में दर्द होता है या कोई भी तरह का कैंसर होता है, पेट में दर्द होना, छाती में दर्द होना, लंग कैंसर होना, लीवर कैंसर होना, जब पेन बहुत सीवियर होता है उस तौर पर, उस समय पर ट्रेमेडोल इस दवा का उपयोग करते हैं, मोस्ट कंज्यूम नार्कोटिक ड्रग इन द वर्ल्ड। दोस्तों, क्योंकि ट्रेमेडोल क्रोनिक यूज़ अगर आप करने लग जाए विदाउट डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह से अगर आप इसको लंबा यूज़ करें, लगातार यूज़ करें, तो आपके शरीर पर, आपके शरीर के कई सारे ऑर्गन्स पर, मानो कि सारे शरीर पर इसका बैड इफेक्ट होता है, हैजार्डस इफेक्ट होता है। और आज ये वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद है, ट्रेमेडोल का गलत उपयोग करने से या लंबे समय तक उपयोग करने से जो हमारे शरीर पे इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो आज हमको आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वार्निंग साइंस है और हम सभी को, आप लोगों, ये मालूम होना चाहिए। जो सबसे पहला इसका साइड इफेक्ट है इम्पॉर्टेंट, वो है एडिक्शन, डिपेंडेंस। ज़्यादा दिन लेने से आपको इसकी आदत पड़ जाती है, डिपेंडेंस हो जाता है, और जब इसको आप अचानक से बंद कर देंगे या ये दवाई नहीं लेंगे, तो आपको इरिटेशन, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस होना, नींद नहीं आना, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, नौजिया, वॉमिटिंग, ऐसे बहुत सारे परेशानियाँ होंगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी है, जितने दिन बताए उतने दिन ही लेनी है, ना ज़्यादा डोज में लेनी है ना ज़्यादा समय लेनी है, क्योंकि इसका है एडिक्शन, डिपेंडेंस होने का खतरा होता है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट हो सकता है जो आपको परेशान कर सकती है, वो है सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी आपको सांस संबंधी परेशानी कर सकती है, खास तौर पर अगर आपको कोई हार्ट संबंधी बीमारी, हार्ट फेलियर है, आपको कोई सांस संबंधी बीमारी, दमे की शिकायत है, अस्थमा है या COPD है, तो तब तो डॉक्टर सोच समझ के दवाई देते हैं। इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति है तो डॉक्टर को बताइएगा, और कोई भी सांस संबंधी बीमारी हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलेगा, क्योंकि हो सकता है ट्रेमेडोल लेने से आपको सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, सांस संबंधी बीमारी हो, आपकी जो सांस की रेट है, ब्रीदिंग रेट है, वो कम हो जाएगी। नॉर्मली हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, वो नहीं होगी, शैलो ब्रीदिंग होगी, आपको चक्कर आ सकते हैं, फेंटिंग, डिजीनेस, कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है, सांस संबंधी बीमारी। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। दोस्तों, इसको हम मेडिकल भाषा में बोलेंगे एड्रेनलिन और एंड्रोजन इनसफिशियंसी, यानी कि कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, आसान तरीके से बताएं तो। पुरुषों में खासकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्सुअल कॉम्पिटेंस के लिए ज़रूरी होता है। ये दवा लेने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल शरीर में कम हो जाता है, तो पुरुषों में लिबिडो यानी सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है, सेक्स करने में दिक्कत होती है, क्योंकि सस्टेनेंस ऑफ इरेक्शन नहीं हो सकता, उनका जो इरेक्शन है वो ज़्यादा देर नहीं रख सकते, एक तो इच्छा कम हो जाएगी, लिबिडो कम हो जाएगा, दूसरा सस्टेनेंस ऑफ इरेक्शन सही नहीं रह पाता है, और इनफर्टिलिटी, बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते हैं वो, तो ये समस्या भी देखने मिलती है पुरुषों में। और स्त्रियों में भी हॉर्मोन्स क्योंकि ऊपर नीचे हो जाते हैं, खासकर शॉर्ट में बताएं तो LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH हार्मोन, हार्मोन के इम्बैलेंस से जो उनकी मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे आने लग जाएगा, और इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा करने में भी दिक्कत होती है। तो देखो, देखा दोस्तों आपने, हार्मोनल इम्बैलेंस कितना खतरनाक हो सकता है क्रोनिक लंबा यूज ऑफ ट्रेमेडोल करने से। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सीरोटोनिन सिंड्रोम। सीरोटोनिन हार्मोन दोस्तों हमारे ब्रेन में होता है और बहुत ज़रूरी होता है, पर ज़रूरी तब होता है जब एक लेवल तक हो। कई बार बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट्स लेने से, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट लेने से, पेन किलर्स लेने से, खासकर ये ओपियोइड जैसे कि ट्रेमेडोल है, हमारे ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन लेवल जो नॉर्मल होना चाहिए उससे बहुत अधिक हो जाता है। ज़्यादा होने से
हमारे ब्रेन के अंदर एक्सेसिव नर्व सेल एक्टिविटी होती है, जो ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स है उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होने लग जाती है और ये डेंजरस सिम्टम्स बन जाते हैं, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, आपका जो बदन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, आपको कन्फ्यूजन होगा, एजिटेशन होगा, रेस्टलेसनेस होगा, ये सारे सिंड्रोम सीरोटोनिन सिंड्रोम से। और कब देखने मिलता है, जब बहुत ज़्यादा आप एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हो, पेन किलर जैसे ट्रेमेडोल खा रहे हो, तो ये ट्रेमेडोल से एक खतरा और है। और जो आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सीजर्स, यानी ज़्यादा दिन लेने से आपको दौरे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। ट्रेमेडोल का जो डोसेज है वो नॉर्मली 50 से 200 मिलीग्राम्स पर डे है, और अगर आपको किडनी संबंधी प्रॉब्लम है तो 200 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते, लीवर संबंधी प्रॉब्लम है तो 100 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते। मैक्सिमम डोज जो इसका है वो 400 mg पर डे। दोस्तों आज हमने आपको ट्रेमेडोल इस दवाई से लॉन्ग टर्म यूज़ करने से, बिना डॉक्टर की सलाह यूज़ करने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या शरीर में आपके नुकसान हो सकता है, ये सारी बातें बताएं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको उपयोगी होगा। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि ऐसे वीडियोज़ हम आपको और लागे दे सकें। दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।